दर्द तो आप सब वाकिफ़ होंगे, कैसा दर्द होता है। मरीज़ को तड़पा के रख देता है, ठीक है, एक मिनट पे ये एक मिनट में ही इतना बेचैन कर देता है, दर्द बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पथरी निकल जाए बगैर ऑपरेशन के और ऑपरेशन कराना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग पेट फड़वा देते हैं और पेट फड़वाना उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि पथरी नहीं निकल पाती, तो अगर आप पथरी से परेशान हैं और कहीं से नहीं निकल रही है, तो हम आपके लिए एक नुस्खा लेके आए हैं। बहुत ही ख़ास नुस्खा है दोस्तों और बहुत ही प्यारा नुस्खा है। देखिए ये आपको इसमें क्या लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। नुस्खा आप नोट कर लें, हजरुल यहूद 6 माशा, संगे सरमाही 6 माशा, सुहागा बिरिया 6 माशा, फिटकरी बिरिया 6 माशा, नौशद्दर 6 माशा, कुल्ठी 6 माशा, काकंज 6 माशा, ज़ीरा सफ़ेद 6 माशा, रेवंद चीनी 6 माशा, तुख्मे तुरुब 6 माशा, तुख्मे शपत 6 माशा, दाना इलायची कला 6 माशा, कलमी सूरा असली 6 माशा, जो ख्वार असली 6 माशा, कबाब चीनी 6 माशा, नबाज सफ़ेद 7 माशा। इन तमाम अज्जा को आप बारीक करके कूट लें, पीस लें और यकजा कर लें, आपस में मिला लें, ठीक है। यह आपकी दवाई तैयार है, सुबह शाम ताज़ा पानी या फिर शरबत बजूरी के साथ आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद दिन में पथरी कितनी भी ख़तरनाक हो, चाहे गुर्दे में हो, मसाने में हो, नली में अटकी हो, जहाँ भी हो, इंशाल्लाह पथरी निकल जाएगी और पथरी का बहुत ख़ास इलाज है ये, ठीक है। जो हजरात बनाना नहीं जानते, बना नहीं सकते, वो हमसे मंगाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे धात, जिरियान, बवासीर, गठिया, शुगर, थायराइड, इन सारी बीमारियों का भी हमारे यहाँ देसी जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता है। आप एक बार सेवा का मौका हमें ज़रूर दें, इंशाल्लाह।